सबसे पहले आज संविधान दिवस की बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के समस्त अनुयायियों को जो देश के कोने कोने में और देश के बाहर अनेकों देशों में बसे हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिख करके पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपा था और जो 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हुआ उस संविधान के बल पर हम सारे साथी जो देश में करोड़ों दलित शोषित महिलाएं आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं माननीय केपी चौधरी साहब मेरे बड़े भाई अभी यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात रख रहे थे माननीय केपी चौधरी साहब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सरकारी कर्मचारियों के महासंघ के जो 40 लाख सरकारी कर्मचारी हैं उसके राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं एक बहुत जिम्मेदार पोस्ट पर हैं और वो अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पहुँचे हैं तो उनका भी मैं साधुवाद करता हूँ समस्त मीडिया के बंधुओं का साधुवाद करता हूँ माननीय बरसाथियों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दो सपने थे एक सपना था कि भारत बौद्ध में हो और दूसरा सपना था कि हम लोग इस देश के शासक बने तो मेरी एक नई कविता भी पिछले दिनों आई थी और वो कविता कुछ इस प्रकार थी मैंने दोनों बातों को ध्यान में रख कर के इस कविता को लिखने का काम किया है और वो कविता कुछ इस प्रकार थी कि बाबा साहब ने कहा कि ये देश बौद्ध में हो और मान्यवर साहब कांसीराम ने कहा कि इस मुल्क में हमारा राज हो तो मैंने दोनों मुझे जितना याद है मैं उस कविता के एक दो पंक्तियां आपको सुनाता हूं आपके चैनल को और जो साथी यहाँ बैठे हैं उनके लिए कि इस धरती से उस अंबर तक इस धरती से उस अंबर तक इस धरती से उस अंबर तक पचरंगा लहराएंगे और दिल्ली के उस लाल किले पर हम तिरंगा फहराएंगे जब दिल्ली के उस लाल किले पर हम तिरंगा फहराएंगे इस धरती से उस अंबर तक इस धरती से उस अंबर तक पचरंगा लहराएंगे दिल्ली के उस लाल किले पर हम तिरंगा फहराएंगे और ये कब होगा जब भारत बौद्ध में होगा तो धरती से लेकर के आसमान तक हम लोग पचरंगा फहराएंगे और जब मुल्क पर हमारा शासन होगा तो इस लाल किले पर हम लोग तिरंगा फहराएंगे तो मैंने उन दोनों बातों को कोट करा और इसका मैं स्थाई आपको सुनाने की अंतरा सुनाने की कोशिश करता हूँ आप लोग सुने के बाबा साहेब के बेटे हो तो कांसीराम की बात सुनो बाबा साहेब के बेटे हो तो कांसीराम की बात सुनो मनुवाद की छोड़ गुलामी अपनी सत्ता आप चुनो मनुवाद की छोड़ गुलामी अपनी सत्ता आप चुनो कांसीराम के सपनों का हम कांसीराम के सपनों का फिर संसद भवन बनाएंगे इस धरती से उस अंबर तक इस धरती से उस अंबर तक पचरंगा लहराएंगे हम इस धरती से उस अंबर तक पचरंगा लहराएंगे दिल्ली के उस लाल किले पर हम तिरंगा फहराएंगे जब इस धरती से उस अंबर तक पचरंगा लहराएंगे और इसका एक और स्थाई मुझे याद आता है कि सारे बहुजन एक रहेंगे और आपस में प्रीत करें बाबा साहब का बहुत बड़ा सपना था कि हमको कास्टलेस सोसाइटी बनानी है और उसके लिए मैं कहता हूँ अपनी कविता के अपने अंदाज में कि सारे बहुजन एक रहेंगे और आपस में प्रीत करें कि सारे बहुजन एक रहेंगे और आपस में प्रीत करें जात पात की तोड़ जंजीरें सब आपस में मीत करें कि जात पात की तोड़ जंजीरें सब आपस में मीत करें बाबा साहेब के सपनों का फिर बाबा साहेब के सपनों का फिर भारत देश बनाएंगे जी इस धरती से उस अंबर तक इस धरती से उस अंबर तक पचरंगा लहराएंगे हम इस धरती से उस अंबर तक पचरंगा लहराएंगे दिल्ली के उस लाल किले पर हम तिरंगा फहराएंगे जी इस धरती से उस अंबर तक पचरंगा लहराएंगे और दो लाइन मुझे इसकी याद आती है मैं सुनाता हूँ आपको कि आज देश की राजधानी पर हिटलर जैसे राज करें आज देश की राजधानी पर हिटलर जैसे राज करें दलित मुसलमान खौफ में रहते और नहीं आवाज़ करें के दलित मुसलमान खौफ में रहते और नहीं आवाज़ करें भीम आर्मी के हम यारो भीम आर्मी के हम यारो गीत सुनहरे गाएंगे जी इस धरती
धरती से उस अंबर तक, इस धरती से उस अंबर तक, इस धरती से उस अंबर तक पचरंगा लहराएंगे हम, इस धरती से उस अंबर तक पचरंगा लहराएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी नीला सलाम।